दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शादाब मलिक आपका दोस्त। आज हम भाई आपको सेकंड पार्ट का शौक कराएंगे इस्लाम भाई कबूतर का, क्योंकि अभी हम हैं बांग्लादेश चिट्टागोंग में। पहले आपने शौक कराया भाई टेडी कबूतर का, जो नया नस्ल दिखाई है। अभी जो भाजन कबूतर दिखाएंगे वो कसूर के ब्रीड, जैसे गोल्डन डब वाले। और सर कौन कौन सा शौक कराएंगे, कौन सा कबूतर शौक रहेंगे आपको? गोल्डन लाल आंखे का कुछ कबूतर शौक, रेड आइस, गोल्डन रेड आइस। और मेरा छोटा था दो एक ब्रीड है, और मेरा एक दिल का ब्रीड है, वो भी आज शौक करा दूंगा। जो भैया का दिल का करीब है ना, जिसने बहुत मेहनत की है, वो भी शौक कराना है। चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आइए अंदर जाकर दिखाते हैं थोड़ा। तो ये आपके हाथ में कौन सा कबूतर है सर? ये एक्चुअली नाइम शफी का जो मुश्किल वाला बिट कहता है ना, अच्छा, जो उस्ताद कुवैत में रहता है, उनका एक ब्लड लाइन का एक कबूतर है। शौक कीजिए, बहुत मजा आएगा। रेड आइज ना? रेड आइज। वाह, आंखों का तो जवाब नहीं भाई। रेड आइज तो एक अलग क्वालिटी का आइज होती है अभी, माशाल्लाह। ये जब धूप में जाएगा ना, और रेड हो जाएगा ना, और रेड हो जाएगा, उसका आंखों देखकर बहुत मजा आएगा। इसका पर मैंने कट कर रखा ब्रीडिंग में ना। हाँ, ये ब्रीडिंग में है। अच्छा अच्छा, इसका बगल देखिए कितना बड़ा है। हाँ, इसका दूसरी पाक देखा। एक दम का कबूतर। हाँ, साइज भी मतलब कबूतर का एकदम मीडियम साइज का कबूतर अच्छा है। थोड़ा सा छोड़ दे, देखिए बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर में। ये सेकंड ये भी भाई लोग को, ये भी मियां नजीर ब्लड लाइन का एक गोल्डन है। मियां नजीर वाला? हाँ, ये मियां नजीर वाला एक गोल्डन है। आइस देखिए, आइस के जर्रा देखिए, बहुत शानदार। इसके भी मैंने पर कटा कर रख दिया। इसका बगल देखिए। हाँ, मतलब बगल तो देखिए इसका, फिर से ये वाला लाइन खोलिए तो ये वाला हाँ। फिर भी देखना, बगल खोलने के बाद भी ये देखिए, ये परों की क्वालिटी दिख रही है आपको? ये जो लास्ट शुरू के तीन पर, सात आठ और नौ कली, भाई वाह माशाल्लाह, बहुत रियर चीज है। हम लोग राजा फेदर का कबूतर बोलता है। क्या बोलते हैं इसको? राजा फेदर का कबूतर। अरे इस्लाम भाई, आप भी राजा हो यार कबूतरबाजी में। बहुत अच्छा लगा भाई मिलके आपसे, माशाल्लाह। वाओ, इसके पंजे शक्कर जी बहुत नया। थोड़ा छोड़ के दिखाइए इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका इसकी खड़ान दिखाइए। एक्चुअली ये बहुत शाने होते हैं ये कबूतर, जो बहुत शानदार। और सर ये आपके हाथ में फिर एक कबूतर दिख रहा है, ये कौन सा कबूतर है सर? ये भी मुश्किल वाला है। मुश्किल वाला? हाँ। माशाल्लाह, उसका आगे देखिए, इसकी जमीन देखिए, आंखों को इसके जरात देखिए, बहुत शानदार। इसका ऊपर देखिए, क्वालिटी दार पर है। ये सब गोल्डन ब्रीड ही है ना सर? हाँ, ये सब लाल आंखे का ब्रीड है। लाल आंख का गोल्डन ब्रीड, गोल्डन ब्रीड है। इसका एक एक नाम था किसी को इसने। हाँ सर, ये इसको कैसे बोलते हैं, क्या बोलते थे? ये भी मुश्किल वाला है इसका नाम। अच्छा अच्छा, लेकिन इसको एक गोल्डन पैटर्न का ही कबूतर है, मियां नजीर का ब्लड लाइन का ही कबूतर है। एक एक बंदा ने एक एक नाम दिया इसको। अच्छा। किसी ने इसको नाम दिया मुश्किल वाले, किसी भी नाम है अलमारी वाले, किसी के नाम है तस्वीर वाले। हाँ, तो लेकिन सब कबूतर की लाल आंखें का पहचान है। थोड़ा छोड़ के दिखाएं सर, शौक कराएं। हाँ, रुक गया।
और एक आपके हाथ में फिर दिखाई दे रहा है सर, अच्छा कबूतर। हाँ, ये अलमारी वाला बोलता है इसको, अलमारी वाला जी। ये भी चेयरमैन साहब का बहुत पसंद का एक कबूतर है ब्लड लाइन का। आइस देखिए भाई, माशाल्लाह इसका आइस के कलर डिफरेंट है, देखा पहले जैसा नहीं है। हाँ हाँ, यह आकोती कलर बोलता है हम लोग। जबरदस्त चीज है जी, इसका पर देखिए, मतलब हर तरह से नायाब है ये, मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना उम्दा किस्म की क्वालिटी है। इसका कुंदा भी बहुत अच्छा है। हाँ, कुंदे बहुत अच्छे बने इसके, इसके बाजू इसके, देखें आप, इसके बच्चा भी बहुत अच्छा परवरिश करता है माशाल्लाह। इसकी बाजू देखें, बाजू का इसका डिज़ाइन देखें, इसके विंग्स मतलब इसकी बगल भी बहुत बड़ी है। हाँ, देख रहे हैं सबसे बहुत बड़ी। हाँ, और अगर बात की जाए ये बड़े कुंदों की, तो ये इसका ये 9वां और 10वां और ये 7वां 8वां भी मैक्सिमम कबूतर क्रूज में है। हाँ, इसलिए और ये महीना बच्चे लेकर जब कबूतर बैठ जाएगा ना, हाँ, कबूतर का शक्ल इतना सुंदर नहीं लगता। हाँ हाँ, बहुत शानदार माशाल्लाह। ये तस्वीर वाला, ये कौन सा है सर? ये तस्वीर वाला, तस्वीर वाला ना। हाँ, ये तस्वीर वाले। हाँ, आंखों में क्या क्वालिटी है, इसमें दिल खुश हो गया भाई मेरा। कबूतर की देखिए, एक एक कबूतर आपके पास ना सिलेक्टेड कबूतर है। मेरे पास कबूतर कम है, लेकिन जो भी है वो बहुत क्वालिटी फुल मेंटेन कर रहा हूँ मैंने। आंखों में देखिए इसके जर्रात, देखिए आंखों में, पर देखिए थोड़ा सा। हाँ, पर देखिए क्या बनाया है सच, वो साइड थोड़ा देखिए। जब आदमी ने ये कबूतर हाथ में शौक करेगा ना जी जी, इसका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, नहीं हमारे भी दिल, सच में बोल रहा हूँ, मेरा दिल खुश हो गया, मेरी रूह खुश हो गई यहाँ आने के बाद। थोड़ा सा पंजा और देखा देखिए, एकदम कनक देखिए। हाँ, गिन लीजिए इसकी उंगलियों में कितने इसके कड़े हैं, गिन सकते हैं सब लोग, मतलब पेंसिल साइज कबूतर है। वाह वाह, अभी आपको और दूसरी ब्रीड का शौक कराएंगे रेड आइज में। तस्वीर वाला और दिखाइए, ये भी एक, ये भी तस्वीर वाला ना, ये भी नर है। अभी तो शायद पट्टा ही है। हाँ, अभी इतनी आइस इसकी डार्क आ रही है, तो जब पूरा हो जाएगा ये 2 साल का, तो टाइम तो पूरी इसकी आइस एकदम रेड हो जाएगी। ये कबूतर बिल्कुल भी मोल्डिंग में है। हाँ, कुरिस कर रहे हैं कबूतर, अभी पर डाल रखे हैं कबूतरों ने। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा आपने इनको मेंटेन करके रखा है। दूसरे साइड, थोड़ा छोड़ के दिखाते हैं। हाँ, कुरिज में कबूतर हम देख सकते हैं, सर ये कौन सा ब्रीड है आपका हाथ में अभी? ये नीलधुम्बा। नीलधुम्बा? हाँ, नीलधुम्बा। ये भी गोल्डन में से है? हाँ, ये भी ये नाइम शफी का एक ब्लड लाइन का कबूतर है। थोड़ा सा शक कीजिए, इसका आँख है, इसका आँख बहुत डार्क है। इसका जूमिंग दिख रहा है आप? हाँ, अप डाउन अप डाउन हो रहा है। बहुत शानदार, ये बेबी है। अच्छा, अभी तो ये, हाँ कितने कली हो गया ये? शायद 5 कली। इतने हो गए, 5 कली बच्चा है अभी, पट्ठा है, 5 कली पट्ठा। वाह,
और शानदार बनेगा। जब तस्वर साफ हो जाएगा ना, इसमें ओरिजिनलिटी आ जाएगी इसकी पूरी, बहुत शानदार चीज। ये सब गोल्डन है, सब गोल्डन रेड आइस, टोटल रेड आइस। इस्लाम सर, तो अभी क्या ब्रीड का शौक करा रहे हैं आप? ये एक लाखा ब्रीड है, ये पाकिस्तानी कबूतर है। इसका लुकिंग हमारा देशी कबूतर की तरह है और ये कबूतर बहुत अच्छा परवास करता है। ये बहुत रेयर ब्रीड है, हाँ, किसी के हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा शक कीजिए। मेरा बहुत प्यारा कबूतर है ये मेरा घर में। उसका दूसरी आंखें देखिए, डिफरेंट है। उस्ताद लोग जो है ना, उसका आंखें देखकर उसको पहचानेंगे ये क्या है, ये क्या चीज है। आंखों का जरूरत देखिए, इसका इसकी जमीन देखिए, आंखों की और रिंकल्स देखिए इसके, पांचों रिंग क्लियर है। परों का शौक रहे, भाई वाह माशाल्लाह। पर तो उसके ऐसे हैं जैसे लो फ्लेयर कबूतर के होते हैं, पट्टी वाले भी नहीं, लेकिन है हाई फ्लेयर कबूतर। हाँ हाँ हाँ। ये तीनों पर देखिए माशाल्लाह, पंजों का शौक रहा है इसका। अच्छा, इसका कुछ रिजल्ट है, इसको उड़ाया आपने? हाँ, इंशाल्लाह ताला इसको उड़ाया था, बहुत अच्छे रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या मिला आपको? मैंने इसको बच्चा को 12 घंटा भी उड़ाया, 12 घंटा प्लस ना। खूबसूरती भी है बहुत इसमें, बहुत खूबसूरत भी है ये माशाल्लाह। और इसके साथ में सेकंड, हाँ, हिंदी बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता। अरे बहुत अच्छा हिंदी है, हम मैनेज करेंगे ना आपके साथ, ये आप बोल सकते हैं। ये उसका मादा है, अभी क्लियर है। क्वालिटी माशाल्लाह, बहुत ही शानदार चीज है ये। वाह, परों की क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत शानदार पर है इसकी। ये परवास का बच्चा है, हाँ, मतलब साइज भी ऐसा है कि चोड़े में को निकाल लो, जैसे बोलते हैं ना, हाँ, शाहनपुरी कबूतर का साइज होता है, ऐसा का साइज है इसका माशाल्लाह। बहुत नायाब ब्रीड है आपके पास ये। पंजी देखिए, इसके बाद छोड़ के दिखाइए। वो आ जाओ, बहुत नायाब, बहुत शानदार। और आपके पास एक जो आप बोल रहे थे मेरी ओल्ड ब्रीड है, जो सबसे ज़्यादा उसके पीछे मेहनत की है, वो दिखाइए आप। ये मेरा ओल्ड ब्रीड और आखिरी ब्रीड। अच्छा, एक्चुअली कबूतर तो घर में बहुत है, टेढ़ी है, गोल्डन है, थोड़ा सा करिए थोड़ा सा। हाँ, कबूतर तो घर में बहुत है, टेढ़ी है, गोल्डन है, अदर्स बहुत कबूतर भी है, लेकिन एक कबूतर तो हर शौकीन का एक दिल का कबूतर है। हाँ, और मेरा ये दिल का कबूतर है। ये ब्रीड का नाम मेरा उस्ताद हाजी मोहम्मद इकबाल, जो बांग्लादेश का आदमी है, वो उमान काम करता है, वो इसका नाम दिया जॉन माइकल ब्रीड। जॉन माइकल ना, हाँ, थोड़ा
शो कराइए, साफ कराइए। एकदम अलग आइस है इसकी, तो बहुत अलग आइस है, मतलब जैसे रेड आइस वाला होता ना। हाँ। लेकिन इसका आसमान कलर है अंदर में ना। हाँ। सुरमई कलर की है, एकदम फटी फटी इसकी जमीन, बहुत रियर है इसका माशाल्लाह। रोक ही जाओ माशाल्लाह, देखिए बहुत ही शानदार। दूसरी आंखें भी शिफ्ट कीजिए, इसकी उम्र बहुत है, उसका एज हो गया ना, बहुत उम्र है, पर शक कीजिए भाई, और होगा शौक कीजिए। देखिए इसकी पिंजे, देखिए इसके, वाह पेंसिल नुमा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, शेप देखिए ना। हाँ पेंसिल नुमा बोलते हैं इसको, वाह बहुत शानदार। क्या एज होगा इसका कबूतर का? इसको उम्र 15 साल होगा। 15 साल है। हाँ, मेरा पास है ये 7 साल और 8 साल, मेरा उस्ताद का पास था और 8-9 साल इसी तरह। वाह अच्छा, ये पैर है पूरा आपके पास? ये प्यार है, एक पूरा जोड़ा बना के रखे हैं सर। इसके बच्चा का रिजल्ट क्या है? इसका बच्चा का रिजल्ट लास्ट टूर्नामेंट ने जो जब हमने क्रॉस में दिया था ना, इसका एक बच्चा 10 घंटे 33 मिनट फ्लाइंग किया और दूसरी टूर्नामेंट ने 8 घंटा 46 मिनट रिजल्ट किया। बहुत अच्छा टाइम, गर्मी का टाइम है ना, गर्मी का टाइम। साकिब माशाल्लाह, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा इस्लाम भाई से मिल करके। यहाँ हम लोग बांग्लादेश में हम आया, इस्लाम भाई की सिटी में आया चिट्टागांव, और शौक भी कराया आप सभी को। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाईजान ने किस तरह से शौक किया इनको, तो कैसा लगे आपको, और इंशाल्लाह बने रहेंगे आपके साथ आने वाली वीडियो में भी। अभी बहुत शौक कराएंगे आपको बांग्लादेश का, यहाँ देख रेख कर रहा है पहले से। बोलो हम बोलिए, तो ये अभी छोटा भाई है जो यहाँ पे देख रेख करता है इस्लाम भाई के ब्लॉक में, ये शागिर्द है इस्लाम भाई का। तो इस्लाम भाई से आप पहले रूबरू हो चुके हैं, तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा इस्लाम भाई से, तो आप लोग भी थोड़ा समझिए। इस्लाम भाई जैसा आप इतना शौक कर रहे हैं करीब 25 साल से आपके ब्लॉक में, तो आपका उस्ताद कौन है? आपने उनके बारे में नहीं बताया। मेरा उस्ताद है तो आगा जाए, वो एक बांग्लादेशी बंदा है, आदमी है, वो चिरांग भी रहता है, उसका नाम हाजी उस्ताद हाजी मोहम्मद इकबाल है, वो मेरा उस्ताद है, वो ओमान रहता है। और मेरा दादा उस्ताद जो है ना वो इम्तियाज शाह है, उसका शागिर्द है मेरा उस्ताद, और उस्तादी भी उससे लिया माशाल्लाह। बहुत बढ़िया, देखिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, अगर उस्ताद नहीं है तो आगे आपको गाइड कौन करेगा, आपको कौन समझाएगा सब चीज़ें? उस्ताद को वही रिस्पेक्ट करना ज़रूरी, जैसे मेरा उस्ताद है, मैं फ़ख्र से बोलता हूँ मेरे उस्ताद ये शौकत बलोच साहब है, तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा भाई मेरे पास कॉन्टेक्ट अभी नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन चेंज हुआ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो, आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है, बने रहेंगे इंशाल्लाह।